दोस्तों अब खत्म होगा जल्द इंडियन आइडल सीजन 12। बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहा है। और इंडियन आइडल सीजन 12 की बात की जाए तो इंडियन आइडल सीजन 12 दोस्तों कंटेंडर्स से ज्यादा उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण चर्चाओं में रहा है। कंटेंडर्स की आवाजें तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इस बार जो है दोस्तों कंटेंडर से ज्यादा, कई ज्यादा इस बार जो है फोकस रहा कॉन्ट्रोवर्सीज पर। चाहे वो अमित कुमार जी की कॉन्ट्रोवर्सी हो, चाहे वो सोनू निगम साहब की हो, चाहे वो सेट पर कोरोना के केसेस एंड ये सारी चीजें। अब ऐसे में आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं एक जरूर इंपॉर्टेंट बात। इंडियन आइडल खत्म होने वाला है, उसको रिप्लेस करेगा ये बड़ा शो। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं इंडियन आइडल सीजन 12 की और उसको किसने रिप्लेस किया है उसकी। और रिप्लेस ऐसे वैसे स्टार ने नहीं, बहुत बड़े टीवी के बहुत बड़े स्टार ने किया है। इंडियन आइडल दोस्तों 15 तारीख को फिनाले है, यानी कि 15 अगस्त को ग्रैंड फिनाले है। जिस वक्त ये खबर आई थी कि 12 घंटे का लाइव चलेगा ये, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, अभी वेट करते हैं फिर उसके बाद पता चलेगा। अब दोस्तों अरुणिता और पवनदीप जैसे धुरंधर सिंगर्स के बाद यहां पर कॉमेडी का तड़का लगेगा, और वो भी द कपिल शर्मा शो से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि द कपिल शर्मा शो जो है उसका तड़का लगेगा, और प्लस कपिल पाजी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं और ये बात उन्होंने ऑफिशियली भी बता दी है, जहां पे आई एम वैक्सीनेटेड उन्होंने जो है पोस्ट करा है। सो अब दोस्तों क्या है, अब कपिल पाजी आएंगे और धमाका मचाएंगे, और साथ ही साथ इंडियन आइडल की जो खुमारी है वो खत्म हो जाएगी और वो कॉमेडी में बदल जाएगी। यानी कि सैटरडे संडे मस्त हम कॉमेडी शो देख सकते हैं जो कि है द कपिल शर्मा शो। दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर दिस, कमेंट सेक्शन में जाए मुझे जरूर बताएं। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। इजाजत दें।